हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं मल्टीमीटर। तो इसके पहले के वीडियो में हमने मल्टीमीटर रिपेयर किया था, उसमें जो डिस्प्ले है उस पर अधूरे नंबर आ रहे थे तो उसे हमने ठीक किया था। अगर वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है और देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है देखें, तो जैसे कि मैं इसे ऑन करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये जो है रेजिस्टेंस पे चेक करने के लिए यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसे बजर पे लगाता हूँ, यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसे मैं कंटिन्यूटी पे शॉर्ट करके बताता हूँ बीप कैसा आ रहा है। तो देखिए ये कंटिन्यू बीप का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो इसे हम रिपेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस मीटर के पीछे दो स्क्रू है, उसे हम खोलेंगे। तो इस तरीके से मीटर का पीसीबी है यहाँ पे। तो अगर इस चिप के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये कभी रिपेयर नहीं होगा, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ख़राब होते हैं वो रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे हम अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई रेजिस्टेंस जला हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे देखने पर यहाँ पे एक पता चल रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जला हुआ है। तो यहाँ पे मैं बैटरी निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे R5 का यहाँ पे 3 नंबर का रेजिस्टेंस जला हुआ है। यहाँ पे जो है प्रिंटेड पूरा जल चुका है, यहाँ पे तो प्रिंट भी उखड़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जला हुआ है, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए इसका जो वैल्यू है मुझे पता नहीं है, तो इसी तरीके से मेरे पास एक मल्टीमीटर है, उसे मैं खोल के देख लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ये दूसरा मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है 3 नंबर का जो रेजिस्टेंस है R5, तो यहाँ पर भी R5 दिया गया है। तो देखें तो इस पर प्रिंटेड कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर 1000 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू होगी 100 ओम्स का होगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, यहाँ पे 200 ओम्स पे लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसे हम चेक करेंगे R5। एक मिनट, रोशनी से नहीं दिख रहा है। तो देखें यहाँ पे R5 पर 100 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे 100 ओम्स का। तो मेरे पास ये इस तरीके से मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, तो जो प्रॉब्लम था ये बाजू में रखेंगे और इसमें लगाएंगे। तो हम निकालेंगे, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। तो अभी से हम ऑन करके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो चुका है सभी पे। तो अभी हम चेक करेंगे, अभी हम AC पे चेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम पैक कर लेंगे यहाँ पे प्लास्टिक का जो प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AC का चेक करेंगे, AC पे सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल आ चुका है यहाँ पे, AC वोल्ट बराबर है। अभी यहाँ पे हम DC देखेंगे, तो फिर 200 पे लगाता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे इस पे देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, 3.9, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो ओके है। तो अभी हम बजर चेक करेंगे, तो बजर के लिए कंटिन्यूटी पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं वायर से यहाँ पे शॉर्ट करके देखता हूँ। तो देखिए लॉन्ग बजर नहीं है, ये भी ओके हो चुका है। अभी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो यहाँ पे 220K का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पे 2000 पे लगाता हूँ, 2000K पे, और इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 220K आ चुका है, तो ये भी ओके है गाइस। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।